होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनए। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50% रहेगी, लेकिन पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। ये सहमति गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक में बनी है। बैठक में तय किया गया शादी समारोह में दोनों पक्षों में 20-20 लोगों को अनुमति रहेगी। दाह संस्कार और मृत्यु भोज में भी 20-20 लोग शामिल होंगे। इस पर अंतिम फैसला 31 मई को सीएम के साथ बैठक में लिया जाएगा। एक अनलॉक के लिए जो समिति बनी थी उसकी बैठक आज हुई है, जिसमें वर्चुअल रूप से और एक्चुअल रूप से लगभग मंत्री शामिल हुए हैं। इसमें जो कोरोना कर्फ्यू की सुनियोजित रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया है उसके बारे में एक गाइडलाइन तय कर ली गई है। इस गाइडलाइन को माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आज हम डालेंगे और इसमें हम सोमवार को इसको अंतिम रूप देकर जारी करेंगे। एक अन्य बैठक जो हमारे जन जागरूकता और आवश्यक प्रचार प्रसार की समिति है उसकी भी हुई, इसमें भी वर्चुअल और एक्चुअल रूप से सम्मानित मंत्रीगण शामिल हुए हैं। इसमें भी मोटा मोटा तय किया है, जैसे बुंदेलखंड के लोग हैं तो बुंदेली भाषा में लोगों में जो भ्रम है उसे दूर करना, जागरूक करना वैक्सीन के प्रति भी, कोविड की सावधानियों के प्रति भी। प्रदेश के नगरी